The next question we have is, does lunar dates affect the hair cutting and hair growth? यानी एक जनरल परसेप्शन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली ये है कि चांद की कुछ स्पेसिफिक तारीखों पे अगर आप हेयर कटिंग करवाते हैं तो वो हेयर ग्रोथ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और उसमें बालों की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसके बारे में हमें क्वेश्चन है कि ये इफेक्ट करती हैं, दिस इज लाइक डज इट मेक सेंस और नॉट। इसका जवाब ये कि इसके अंदर हमारे पास शरीयत में कोई ऐसा एविडेंस प्रूफ हदीस कुरान या सहाबा की लाइफ में से उनकी कोटेशंस के अंदर से नहीं मिलता जो कि इस चीज को इस बात को सपोर्ट करे कि चांद की तारीख जैसे चढ़ते चांद या उतरते चांद के अंदर बालों की कटिंग कराने से या बालों की हेयर ग्रोथ जो है उसके अंदर कोई फर्क पड़ता है। और इसके अलावा मेडिकल साइंस जो है वो भी इसके अंदर कोई इसका प्रूफ नहीं प्रोवाइड करती। सो दिस इज लाइक बेसिकली कम्प्लीटली बेसलेस। और ये प्राइमरीली जो चीजें हैं इस किस्म की जो बातें हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर और उनके ट्रेडिशन और सुपरस्टिशंस के अंदर से आती हैं। हमारे इस्लाम में और मेडिकल साइंस में इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं, लिहाजा ये बात कंप्लीटली बेसलेस है।